हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेंसिल शेड वर्क में मग बनाना बताने जा रहे हैं। इस चित्र की भी नाप रहेगी 15 सेंटीमीटर, हम अपने ब्लैकबोर्ड में बनाएंगे। आप हमारे साथ अपनी ड्राइंग शीट में बनाना स्टार्ट कीजिए। चित्र की नाप ये देखिए, हम पहले निशान बना लेंगे। इसकी आकृति निकालने के लिए देखिए, ऊपर से हम पहले इसका सर्किल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट सा दे देंगे। मग्घे की आकृति निकाल रहे होंगे। जो भी लाइंस अलग से जाएंगी हम उनको इरेज कर लेंगे। देखिए, यहीं से हम इसकी आकृति ऊपर की देखिए, हम डबल करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से इसका हैंडल मग्घे का हम निकाल के आपको दिखाएंगे। ऊपर की आकृति इसके हैंडल के पास की, यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। मग्घे का हैंडल हमने आपको इसका ऊपर का बनाकर दिखा दिया है। इसका भी लाइट डार्क में हम पूरा चित्र शेडिंग वर्क करेंगे। जो भी लाइन्स अलग से आ रही हैं देखिए, हम सबको इरेज करते हुए जा रहे हैं। यहाँ से हल्की लाइन से हम इरेज कर लेंगे। बाट को भी डबल कर लिया हमने। इसका हमारा शेडिंग वर्क भी लाइट डार्क शेडिंग वर्क करेंगे। यहाँ से देखिए, इसके हम शेडिंग वर्क आपको करके दिखा रहे हैं। लाइंस को हमने क्लियर किया हाथों की मदद से। देखिए, इसमें बीच में हमने एक लाइंस को पकड़ के शेडिंग वर्क कर दिया। लाइट डार्क शेडिंग वर्क हमारा जाना, इसलिए हमने देखिए
एक तरफ से पकड़ के इसको शेयरिंग वर्क है, इसी तरह ऊपर का भी ये हिस्सा भी हमारा शेयरिंग वर्क में ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डार्कनेस दे देंगे, बस ज़्यादा नहीं देंगे। इसमें हमें मग को लाइट दिखाना है, इसलिए यहाँ पर हल्की सी लाइंस के द्वारा इसका डबल में शेडिंग वर्क दे रहे हैं, देखिए। और बाकी शेडिंग वर्क हमारा ऐसे ही लाइट डार्क शेड वर्क जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। देखिए ऊपर हमने चौक रखी और नीचे हाथों को छोड़ते हुए हम जा रहे हैं। इस पोर्शन को हमको लाइट दिखाना है, इसलिए यहाँ पर हम लाइट शेडिंग वर्क करेंगे। और डार्क शेडिंग वर्क हमारा एक तरफ से डार्क शेडिंग वर्क हम इधर से दे रहे हैं, तो इसलिए इधर का हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया है। देखिए नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर दोनों तरफ से हम चौक को घुमाकर शेडिंग वर्क इसका कंप्लीट करेंगे। बस इसको हाथों की मदद से देखिए, इधर हमने लाइट पोर्शन दिखाया इसलिए हमने थोड़ा लाइट शेडिंग वर्क किया हुआ है, और इधर हमारा एक तरफ का डार्क शेडिंग वर्क जाएगा। ये देखिए हाथों की मदद से देखिए पूरा शेडिंग वर्क हमने इसमें मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम डार्क में दिखा देंगे। ये इसकी जो लाइन शेडिंग वर्क के दोनों हमारी रेज हो गई हैं उनको देखिए हमने फिर से चौक की मदद से फिर से डार्क कर दिया है। इसी तरह हमारा इसके हैंडल में भी शेडिंग वर्क जाएगा। बराबर से बॉर्डर को पकड़ के इसका शेडिंग वर्क कर लेंगे, इसको डार्क शेडिंग वर्क देंगे। नीचे का हिस्से को हमें डार्क दिखाना है, इसलिए इसका हम सारी लाइंस को देखिए फिर से क्लियर करके आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ऊपर की भी लाइन सारी हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये देखिए इसकी सारी ये लाइंस भी हमारी क्लियर ही करनी है। देखिए अलग से जो भी लाइंस हमारी आ रही हैं उनको हमने इरेज कर दिया एक स्पॉट सा। इस तरह सा हम शेडिंग वर्क का यहाँ पर मग में बना देंगे। मग को भी हम कहीं पर अपना रखा हुआ ही बनाएंगे कि मेरा मग कहीं पर फर्श पे रखा हुआ, इसलिए हमने ये नीचे शेडिंग वर्क इसके कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर हम लाइंस के द्वारा आपको नाप लिख के बता दे रहे हैं। हमारी नाप का बना है 15 सेंटीमीटर, एक नाप का ही हमारा पूरा चित्र बनके तैयार होगा 15 सेंटीमीटर का। हम ऊपर लिख देंगे स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आज हमने आपको पेंसिल शेड वर्क में मग बनाना बताया है। यहाँ लिख देंगे मग। ये पूरा चित्र एक नाप से ही बनके तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इसी तरह के और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।